Hi everyone, my name is Manu Bhardwaj. Another great and successful day for us. We have Harmanjeet Singh with us, who has successfully secured 7 each in the very first PTE attempt. Thank you so much, Harman, yaar, mujhse baat karne ke liye. Pehli cheez, Harman, just wanted to understand, yaar, out of curiosity, aapko PTE 499 ke baare mein kaise pata laga starting mein? Actually, sir, main Melbourne rehnda si ga 2021. Haan ji. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਨੋਨ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ 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 ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਖੜਕਿਆ ਵੀ ਸਰ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਰਾਸਤਾ ਖੁੱਲਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਮ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਇਨਸਪਾਇਰਿੰਗ ਆਪਕੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਮਨ ਸਿਰਫ 3 ਵੀਕਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਨੇ 26th ਆਫ ਮਾਰਚ ਕੋ ਹਮੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਆ ਥਾ 15th ਆਫ ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਪਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਕੇ 7 ਇੰਚ ਵੀ ਆ ਗਏ है ना तो उसके रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहता हूँ एंड ये काफी हेल्प करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं 7 इंच के लिए है ना तो पहली चीज तो यही है कि यार आपकी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी क्या थी एंड 2 से 3 वीक का आपका स्केड्यूल क्या रहता था प्रेपरेशन को लेकर तो सर मेरा स्केड्यूल ऐसा था कि मैं जैसे मेरी जो जॉब है वो 8 से 4:30 की होती है हाँ जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मॉर्निंग में उठता था 5:30 हाँ जी ट्राई कभी नहीं भी उठ पाता था बट आई विल ट्राई है ना हाँ जी तो उस टाइम मैं उठ के सबसे पहले मेरे माइंड में ये था कि मैं रीडिंग करूँ उठ के अच्छा, जितनी जितनी मैं प्रैक्टिस करूँ रीडिंग की वो भी मॉर्निंग में आई थिंक जो मेरा ओपिनियन है कि अच्छी जाती है उस टाइम मॉर्निंग में रीडिंग और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं उस टाइम है ना वेरी गुड हाँ जी तो मैं रिफ्रेश होता था जॉब से आने के बाद तो थोड़ा सा बैठ के माइंड फ्रेश करता टीवी देखने के लिए दैट्स ऑल टीवी देखा तो उसके बाद मैं जो करता था मेरी जो स्ट्रेटजी थी वो मेरी रिपीट सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन की होती थी तो देन के बाद क्लास स्टार्ट होती तो फिर मैं अपना रात का डिनर किया तो फिर से एक जो 1 आवर होता था वो मैं जैसे रीड अलाउड कर लिए रीड लेक्चर कर लिया और जो मेरा मेन फोकस था मेरा राइटिंग और रीडिंग में था और मैंने शाम को एक राइटिंग का कोई ना कोई टास्क तो करना होता था चाहे मैं जो फर्स्ट टास्क होता है वो करूँ या ऐसे लिखूं वो मैं तो ऐसे कि मुझे एक तो पता लग जाए कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ मेरी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है और मेरे को क्या करना चाहिए तो ये मेरी स्ट्रेटजी सर उस टाइम पर राइट तो ओवरऑल एक दिन में कितना टाइम स्पेंड करते थे प्रेपरेशन के लिए हमें अराउंड 2 से 3 घंटे सर 2 से 3 घंटे रोज ठीक है वेरी नाइस कौन से टास्क पे आपने ज्यादा फोकस किया ओवरऑल इन 3 हफ्तों के अंदर जो आपको लगता था कि आपकी वीकनेस है और आपने इस वीकनेस को फिर ओवरकम कैसे किया सर सबसे पहली बात है कि मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट का इसमें वीक पॉइंट रहता है एक तो राइट फ्रॉम डिक्टेशंस हां जी वेरी गुड क्योंकि रिपीट सेंटेंस में आपको आप शॉर्ट मेमोरी आजकल मोस्टली बच्चों की शॉर्ट मेमोरी है तो वो याद रखना थोड़ा टफ हो जाता है कि कई बार क्या होता है हम फर्स्ट वर्ड तो याद रख लेते हैं सेकंड नहीं लास्ट वाली नहीं रख पाते है ना और डिक्टेशन में मेन प्रॉब्लम वही है कि कहाँ जहाँ पे इज एम आर टू ये वो कहते हैं तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देता था आपका सारा वो खराब कर देता है ना हाँ जी तो मेरी स्ट्रेटजी में ये होती थी कि फर्स्ट मैं राइट फ्रॉम डिक्टेशन की बात करता हूँ तो मैं इनिशियल लिख लेता था जो 3-4 वर्ड बोलते थे जो कि ईजी होता है बंदे को याद रखना तो जब वो 3-4 वर्ड के बाद जो बोलता फिर मैं उसको लिखना शुरू कर लेता हूँ बट जो लास्ट वाले वो 6-7 होते हैं वो हम सिक्योर कर लेते हैं फर्स्ट वाले भी करके है ना तो अगर एक दो जिसने अगर मेरे को लगता है जिसने 7 इंच की तैयारी है वो ऐसे करे तो मे बी वो कर लेगा है ना अगर 8 इंच की तो मैं तो कहता नहीं कि ऐसे करो वो मैं तो कहता एक्यूरेसी लेकर आओ उसमें तो मैं भी ट्राई करूंगा अभी नेक्स्ट हाँ जी हाँ जी हाँ जी और आपकी प्रेपरेशन जर्नी के अंदर हरमन पीटी 499 और हम लोगों ने आपको कैसे हेल्प की सर सबसे आपको पता है सर अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है ना तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो जब मैंने आप क्लास स्टार्ट की थी
तो जो आप बेस तैयार करते हो बच्चे का, वंडरफुल सर, मेरे को लगता ही नहीं कि वो बेस कहीं से है ना बंदा सीख सकता है। मैं ऐसे नहीं कर रहा कि दूसरे लोग गलत सिखा देंगे, बट जहाँ पे आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ भाई ये बंदा अच्छे बेस अपने आपको बता रहा है ना, या स्ट्रॉन्ग कर रहा है आपका बेस, और जब आपको बेस स्ट्रॉन्ग है आपका और आपको क्लियर है कि क्या किस चीज में क्या करना है और आपको स्ट्रेटजी अच्छी बताई गई हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए वो चीज टफ हो जाती है फिर। तो ये तो सबसे बड़ा था। और दूसरा जो प्रिपरेशन क्लासेस थी उसमें आपको डेली आप कुछ करते थे और आपको रोज सीखने को मिलता था, दैट वाज अ गुड थिंग। हाँ जी, हाँ जी, एब्सोल्युटली। क्योंकि जब आप रोज सीखते हो तो आपकी जो जो गलतियां करने की जो वो होती है तो कम हो जाती है, कम हो जाती है। नहीं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ। प्रैक्टिस ही आई थिंक गेम है पीटी, हाँ, के स्कोर को लाने का या अच्छे स्कोर को सिक्योर करने का पीटी के अंदर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है ना। कितने आपने मॉक टेस्ट दिए थे हरमन ड्यूरिंग द प्रोसेस? सर मैंने क्या लगता है आपको कितना हेल्प करता है एक मॉक टेस्ट एक कैंडिडेट को अच्छे से प्रिपेयर होने के लिए? आई थिंक सर मॉक टेस्ट मुझे लगता है कि बच्चे को अगर उसका पेपर सुन है तो मुझे लगता है कि वीक में दो बार तो दे वो दे जी, ओके, मुझे जो मेरा ओपिनियन है। बट जब मैंने वीक के बाद क्लासेस फिनिश हो गई और मेरा प्रैक्टिस सेशन शुरू हो गया था, तो मैंने मॉक टेस्ट फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया जिसमें मुझे अपनी पता लग गया कि मैं कहाँ पर लैग कर रहा हूँ, उस पे वर्कआउट किया। देन नेक्स्ट उसमें मेरा वो सही रहा, फिर मुझे जो देखा कि हाँ मेरी मिस्टेक्स हो रही हैं या मेरे को ऐसे में थोड़ा सा थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करना है या मुझे राइट फ्रॉम डिक्टेशन इम्प्रूवमेंट करना है, तो मैंने फिर तो मैंने अभी तक जो जितनी क्लासेस लगे तो मैंने 3 मॉक टेस्ट दिए हैं। और उसमें मैं सबसे अच्छी बात यह कि सर मैं नंबर पीछे नहीं गया, आगे गया। वेरी गुड, ओवरऑल में भी और जो ईच में भी मैं आगे गया हूँ। जो मेरा लास्ट था वो मेरा 61-62 था, तो मेरे वहां से सर मेरे आपको पॉजिटिव जो वाइब्स मिलने शुरू हो जाती हैं कि हाँ भाई इतना मैं गेन कर रहा हूँ ना तो पेपर में कर लूंगा। करेक्ट करेक्ट, आपका पहला जो मॉक था आई थिंक उसके अंदर 50s में, अर्ली 50s में स्कोर था, उसके बाद 58 या 60 के आसपास स्कोर आया, फिर उसके बाद 62-63 स्कोर गया। दैट मींस वो पॉजिटिव साइड पे बढ़ता गया स्कोर एंड आपको कॉन्फिडेंस मिलता रहता है उस चीज के कारण। ये तो है। और मेरे को लगता है कि अब सर सभी का बिजी शेड्यूल है यहाँ पे, ऑब्वियसली है ना, कोई 10 घंटे की शिफ्ट करता, कोई 12 घंटे की शिफ्ट करता है ना, तो इन बच्चों के लिए टाइम निकालना ऑब्वियसली गल है कि है ना टफ हो जाता है। बिल्कुल, एटलीस्ट आप 1 hour 2 hours दो अगर आपका एम 7 or 8 ईच है। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ 1-2 घंटा कंसिस्टेंट आपको, आप अपनी मनी सेव करना चाहते हो और टाइम सेव करना चाहते हो तो इतना तो दो, इतना तो देना पड़ेगा। बहुत हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं सर, और यहाँ पे हम बाहर हैं तो स्ट्रगल तो कभी खत्म होगी नहीं, देखो ना। बिल्कुल, हाँ जी। लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा हरमन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं लास्ट मिनट टिप्स होनी चाहिए एक कैंडिडेट के पास, तो आप एज अ सक्सेसफुल कैंडिडेट, जितने भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं 7 ईच के लिए 8 ईच के लिए, लास्ट मिनट टिप्स आपकी तरफ से उनके लिए क्या? सर जो मेरी टिप्स थी, मैं आपको अपनी स्टोरी बता देता हूँ जी। मैं जो में रहता हूँ तो मेरे पास कोई यहाँ पे सेंटर नहीं है नियर अबाउट। को कहाँ रहते हैं आप? ऑलबरी सर। ऑलबरी, अच्छा। तो मेरे को या तो मेलबर्न जाना पड़ता है या फिर कैनबरा जाना पड़ता है ना, तो मैं कल का ही बता देता हूँ। मैं कल गया, सुबह सुबह उठ के गया और 4-1 घंटे का रास्ता, तो मैं बंदा जाते जाते थक जाता है ना। करेक्ट, हाँ। तो मैंने अपने आप को वो एनर्जी अपनी सेव करके रखी कि मैंने ये एनर्जी पेपर में दिखानी है। वेरी गुड। तो सर जब मैं पेपर में गया, सब फर्स्ट ऑफ ऑल सर जो अपना सबसे पहला टास्क है वो है रीड अलाउड, उसमें बंदा अच्छा दे गया ना अपना, मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट वो अपने आप अच्छा दे जाएगा। जी जी, काम सबसे बड़ा सर काम, उसमें आपको बिल्कुल शांत रहना है, बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ना, जो आपको लग रहा है सारा नहीं पढ़ना, जो आपको मेन वर्ड्स लग रहा है कि हाँ ये है उसको रिपीट कर करके बोलो, ताकि जब आप उस वर्ड पे बोलो तो फ्लुएंसी आपकी बिल्कुल सही रहे और आप इजीली बोल पाओ उस वर्ड को। करेक्ट करेक्ट, रीड अलाउड बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोलने से पहले मुझे लगता है कि लंबा सांस लेके शुरू कर दो, अच्छा मेरे हिसाब से अच्छा है ना सर। और दूसरा सर जब हम रिपीट सेंटेंस पे आते हैं तो मैं नहीं कहता कि सारा मुझे भी याद रह गया था, बट आपको जितना याद है ना बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ बोलो, चाहे कुछ ऊपर नीचे भी कर दो कोई इशू नहीं है, बट अगर आप बीच में रुक गया थोड़ा सा फंबल हो गया वो आपको
दिक्कत देगा, है ना सर? करेक्ट। रिटेल लेक्चरर वो तो बहुत इजी है, उसमें कुछ है ही नहीं सर। मतलब कि लिख लो अपना भी जो टॉपिक आ गया है ना, टॉपिक के बाद जो जो चीज उसने बोली है, स्पीकर सेट दैट, स्पीकर मोर ओवर फॉर ओवर, ऐसे करके बस अपनी फ्लुएंसी मेंटेन करके रखो, बोलो कुछ भी। मैं नहीं कहता कि उसमें बंदे के कम आ जाएंगे। जब आपकी तरह वो स्पीकिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सारा आपका अच्छा जाएगा। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि पहला ही सेक्शन होता है ना, पहले सेक्शन में अगर आप परफॉर्म कर जाते हो तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है बाकी सेक्शंस को परफॉर्म करने का। और रीडिंग का सर मुझे लगता है कि मेरे साथ मेरे पेपर में होने वाला था, बट मैंने अपने आप को काम कर लिया था उस टाइम भी, कि एक तो सुबह को उठा हुआ था सर, बहुत नींद आई पड़ी थी ना, तो जब कर रहा था तो कसम से आंखों में से पानी आने लगे थे कि थक गई थी आई से ना। अच्छा, मैंने को स्टेबल किया और बिल्कुल फोकस्ड हो गया था उस टाइम मैं, कि भी हरमन ये निकल गया ना तो आगे तो इजीली है, वो तो लिसनिंग है, वो तो सुनना ही है, कोई चक्कर नहीं है ना। करेक्ट। हाँ, तो वो सर मैंने इतना इतना माइंड अपना फोकस करके उस टाइम किया था, और मुझे लगता है कि तभी मेरे रीडिंग में अच्छे आए हैं। मेरा तो ये सबको मेरी यही एडवाइस है कि एक बार बस वो 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे में फोकस हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपके 8 ईच या 7 ईच ना आए। वेरी गुड वेरी गुड। एक और लास्ट क्वेश्चन है यार हरमन, बाबा जी का क्या रोल था, देखो आप बता रहे थे। अच्छा, बाबा जी का जी रोल ये सीगा भी कोई भी मैं रीडिंग ते, चलो रीडिंग दे विच मैं ज्यादा यूज किया, बाबा जी बड़ा मतलब ही है, पर चलो कोई नहीं। जो मैं जी रीडिंग दे कोई भी क्वेश्चन करता सीगा, मैं जी जो भी जिसनों मानता ना उन्होंने आलो एक बार भी, हाँ जी बाबा जी मैं करता अगे तुम सामने आया है ना, तो मैंने लगता बिल्कुल हेल्पफुल होंगे, अपने आप नी थोड़ी जी पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है ना। मेरी आ स्ट्रेटजी सब तो बड़ी स्ट्रेटजी रही है। नहीं बिल्कुल यार, स्पिरिचुअलिटी आपको कॉन्सेंट्रेट या फोकस करने में भी काफी हेल्प करती है। हाँ जी सर, इसलिए आपको बाबा जी ने हेल्प भी किया। देखिए, थैंक यू सो मच हरमन यार यहाँ पर आने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, एंड मेरी पूरी टीम की तरफ से, PTE for 199 की तरफ से आपको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस।